स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में। और आज मैं श्री गुरु जी जीवन प्रसंग के शीर्षक को बुक को लेकर आया हूँ, जा बाबा। ये दत्तोपन ठेंगड़ी जी के द्वारा दिया गया है और भारत माता के आशीर्वाद से संघ के कार्य को लेकर के एक सोशल मीडिया में संघ कार्य का नेगेटिविटी ना फैले और नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हम लोग यह वीडियो को लेकर आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं दत्तोपन ठेंगड़ी जी के द्वारा दिया गया यह वक्तव्य। उस दिन अपहरण यानी दोपहर के बाद मैं श्री गुरु जी नागपुर के दौरे के लिए प्रस्थान करना था। सुबह 8 बजे एक संयोजक दौड़ता दौड़ता कार्यालय आया और उसने श्री गुरु जी के सूचित किया गए पूजनीय ताई जी पक्षाघात का झटका लगा है उनको, ताई जी को। सब लोग अनगोबा के गली के में स्थित ताई जी के मकान की ओर दौड़ पड़े। पूजनीय ताई जी ने स्नान समाप्त किया था और नित्य क्रम के अनुसार पार्थिव पूजा करने जा रही थी। इसी बीच उन्हें यह झटका आया था। प्राथमिक उपचार के पश्चात डॉक्टर श्री बी पांडे ने कहा, अब थोड़ी गर्म कॉफी लेकर ताई को लेटे रहना चाहिए कुछ न कुछ गर्म पेय पेट में जाना आवश्यक है। किंतु ताई ने संकेत मात्र से इनकार कर दिया और सूचित किया कि वह उस अवस्था में भी पार्थिव पूजा किए बगैर वह कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पहले ही दुर्बलता बहुत आ गई थी और फिर पक्षाघात से पीड़ित हाथ से अधिक देर तक पार्थिव पूजा की विधि संपन्न करना बहुत ही कठिन था। किंतु ताई के आग्रह के कारण शरीर की मधु टिके कर सूचीभूत होकर सामने आए और उन्होंने सारा कार्य कष्टपूर्वक संपन्न किया। फिर ताई ने थोड़ी कॉफ़ी ली, किंतु उनकी स्थिति गंभीर ही थी। कार्यालय में चर्चा चल पड़ी। इस गंभीर स्थिति में नागपुर छोड़कर श्री गुरु जी के लिए उचित नहीं होगा, उन्होंने कहा। पता नहीं अकस्मात कब क्या हो गए, ट्रेन के समय से थोड़े समय पूर्व श्री गुरु जी ताई जी के पास खड़े हुए और पूछे, ताई मैं जाऊं? उस अवस्था में भी ताई ने अति स्पष्ट स्वर में तुरंत उत्तर दिया, जा बाबा जा। उन्होंने कहा और जाइए, इस संघ कार्य को कीजिए। और ताई मैं जाऊं, यह सदैव पूछते रहने के लिए ही तो एक महापुरुष ने ताई के गोद में जन्म लिया था, और जा बाबा ऐसा प्रसाद जीवन भर देते रहने के लिए ही यह महासाध्वी ने 9 मास गर्भधारण के कष्ट सहन किया था। ऐसे थे ताई जी, और उन्होंने इतनी करुण अवस्था में भी, इतनी गंभीर अवस्था में भी ताई जी ने कहा, जा बाबा जा, यानी जाने के लिए और इस संघ कार्य करने के लिए, इस महापुरुष को जाने के लिए उन्होंने कह दिया। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह दत्तोपन ठेंगड़ी जी के द्वारा दिया गया है शीर्षक है। और हम लोग फिर से एक नए वीडियो के तरफ में मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।